हेलो वेलकम दोस्तों, मैं साइली सप्तर्षी और बच्चों आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम हमें बताया है रिलेशनशिप। ये हमारा चैप्टर 14 रिलेशनशिप। अक्सर पूछा जाता है ये हमारा नाना है, ये चाचा है, फिर उसका परपोता, इसका कौन लगेगा, इस प्रकार के हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल से ट्रिक्स है जो कि आप यूज करके काफी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो ट्री मेथड बताया गया है। मेल के लिए नॉर्मल सिंपल सा स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, यानी कि हम समझने के लिए ये मेल है तो यहाँ पे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। फीमेल के लिए ओवल शेप आप दे सकते हो, एंड लास्ट आता है कपल के लिए लाइनिंग लाइनिंग वाला बॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हो। ये तीन बस आपको ध्यान में रखने, मेल के लिए स्क्वायर होता है, फीमेल के लिए ओवल दिया होता है, एंड कपल के लिए आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल जैसा लाइनिंग का बॉक्स दिया रहेगा। ये होने के बाद हमें समझना है, मान लो अभी जो ये पीढ़ी चल रही है, राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात यहाँ पे आपको बताती हूँ, ठीक है, मैं हूँ, राइट, मेरी बहन है, मेरी बहन का हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड है, उसकी बहन है, तो ये सारे हम क्या रहे, एक ही एज ग्रुप में है, राइट। तो ये जो हमारी पीढ़ी रहेगी ये सेम एक लाइन में आएगी, मैं, मेरी बहन, उसका हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, हस्बैंड की बहन, उसका हस्बैंड, ये सारे के सारे एक ही लाइन में आएंगे क्योंकि हमारी ये एक ही पीढ़ी है, राइट। मेरे ऊपर, यानी कि अगर मैं मेरे ऊपर की बात करती हूँ तो कौन आएगा उस पीढ़ी में, तो आएगी मेरे मम्मी पापा, राइट, मेरे मामा मामी, मेरे फुआ फूई, ये सारे आएंगे, यानी कि चाचा चाची जितने भी है सिर्फ हमारे एक पीढ़ी ऊपर। तो वहां पे आते हैं मम्मी डैडी, मामा मामी, चाचा चाची, अंकल आंटी, ये सब कुछ हमारी ऊपर की पीढ़ी में आते हैं। उनके ऊपर आते हैं वो होता है ग्रैंड पेरेंट्स, राइट, यानी कि आते हैं मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, राइट, ये सारे आएंगे उनके भी ऊपर। और मेरे जो नीचे की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पे कौन आएंगे, मेरे बच्चे, राइट, मेरा बच्चा है, मेरे बहन का बच्चा है, मेरे हस्बैंड की बहन का बच्चा है, तो ये सारे कहाँ पे आएंगे, हमारी नीचे की लाइन में। तो आपको ये फोर लाइन्स यहाँ पे बस ध्यान में रखनी है। सबसे ऊपर हमारी पीढ़ी आती है जिसमें आते हैं मामा मामी चाचा चाची, सॉरी, यानी कि आएंगे यहाँ पे मैं, मेरी बहन, उनके हस्बैंड, या फिर ये पूरे जो अभी के जनरेशन में चल रहे हैं उसके ऊपर आएंगे मामा मामी चाचा चाची मम्मी पापा, ये सारे लोग आएंगे। उनके ऊपर आएंगे वो रहेंगे ग्रैंड पेरेंट्स, और मेरे सबसे नीचे जो आएंगे वो आएंगे बच्चे, राइट, जितने भी बच्चे होंगे। तो इस पीढ़ी के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल पूछा गया है कि ए जो है वो डी का क्या है, पोता है, तो यहाँ पे जो पोता रहेगा ये सबसे पहले ग्रैंडफादर आएंगे, उसके नीचे, और ये ए यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये उनका क्या है, पोता है, राइट, ये तीसरी पीढ़ी हो गई, राइट, तो ये आ गया पोता, राइट। पोते का भी बच्चा है तो वो आ जाएगा उसके भी नीचे, राइट। ए की वाइफ बताई है तो, राइट, ये कहाँ पे आ जाएगी, आपके इसी थर्ड जनरेशन में आ जाएगी, राइट। ए की बहन बताई है तो वो भी कहाँ पे आ जाएगी, ए की इसी लाइन में, लेकिन ए के मामा बताए है तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, इस सेकंड लाइन में, तो वो ऊपर चले जाएगा। सिर्फ ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल सा सीक्वेंस है, राइट। ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, फिर मम्मी पापा आएंगे, फिर मेरी पीढ़ी आएंगी, मेरे नीचे मेरे बच्चे रहेंगे, वो आएंगे, ठीक है। अभी और अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ग्रैंड पेरेंट्स सबसे ऊपर रहेंगे, मदर फादर चाचा चाची मामा मामी अंकल आंटी सारे एक इसमें आएंगे, और किड्स, यानी कि अगर मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे दादा दादी नाना नानी आएंगे, यहाँ पे मेरे मम्मी पापा चाचा चाची मामा मामी आएंगे, और यहाँ पे अभी हम है, ठीक है। ये हमारी इस प्रकार की एक पूरी ट्रिक बन सकती है। यहाँ पे अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, ये जो क्वेश्चन रहते हैं थोड़े से जंबलिंग टाइप होते हैं, आपको ध्यान से समझना है। ए दिया है जो डी का भाई है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया, ए और डी क्या है, भाई है, यानी कि ये एक ही पीढ़ी में आए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे ए और डी एक ही लाइन में आएंगे, पहले इसको समझना है। ए और डी मैंने क्या किया, एक ही लाइन में, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है। आगे बताया है हमें बी का पिता है, राइट, डी जो है वो किसका पिता है, यहाँ पे हमें क्या बताया है, बी का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी का ये कौन बच्चा हुआ, बी, राइट, बी का पिता है, कौन पिता है, जो डी है, और ये डी कौन था, ए का भाई था। सिंपल है, बिल्कुल जंबलिंग नहीं होने देना है। ए यहाँ पे बताया ए का भाई, डी बताया, डी के बच्चे का नाम क्या बताया, ये बताया हमें, बी बताया, ठीक है। रुकेंगे थोड़ा सा,
बी और सी बहने हैं। आगे क्या बताया, बी और सी ये बहने हैं, राइट। तो इनको क्या किया हमने, एक ही लाइन में दिया क्योंकि ये बहने हैं। आगे क्या बताया, बी और सी बहने हैं। आगे बताया है हमें एफ ए का पिता है, तो क्या बताया हमें, ये जो एफ है, ये जो एफ यहाँ पे बताया है ये किसका पिता है, तो ये ए का पिता है, यानी कि क्या गया, एक पीढ़ी ऊपर गई, तो ये था हमारा ए, राइट। तो ए के ऊपर उनके पिताजी बैठ गए, तो ये आ गया आपका एफ ऊपर, राइट। तो आगे बताया है ए का पिता है, तो सी का एफ से क्या संबंध है, ये जो सी पूछा था जो कि बी की बहन थी, तो ये सी और एफ इन दोनों का रिलेशन क्या है, आप आसानी से समझ सकते हो इस पिक्चर के थ्रू। ये आपको ड्रॉ करना है, ये आपको एग्जाम में नहीं दिया होगा, ये समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया, लेकिन आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ए और डी भाई भाई बताए थे, राइट। बी का जो पिता था वो डी बताया था, बी की बहन सी बताई थी, ए का पिता एफ बताया था, तो हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया। और अभी पूछा लास्ट में ये दोनों में रिलेशन क्या है, राइट। ये अगर पापा आते हैं, राइट, तो ये कौन हो जाएंगे, ये इनकी आ जाएगी पोती, क्योंकि ये लड़की है। क्या बताया था, बी और सी क्या है, बहने है, राइट, बी और सी बहने है, इसलिए ये उनकी क्या आ जाएगी, पोती आ जाएगी। समझ में आया बच्चों, बहुत सिंपल है, आप इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ए बी का भाई है, तो यहाँ पे अभी क्या बताया हमें, ए बी का भाई है, जो जो आता है आप तुरंत उसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ए बी का भाई है, आगे बताया है सी, ठीक है, देन सी ए की माँ है। क्या बताया अभी यहाँ पे, ये ए हो गया, यानी कि अगर मैं मेरी बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं आ गई ए और मेरा भाई बी, तो हम क्या हो गए, ए और बी भाई भाई हो गए। आगे क्या हमें बताया है, सी ए की माँ है, यानी कि मेरी माँ कौन है, सी है, राइट। तो मैं मेरी माँ को कहाँ पे, ऊपर रखूंगी, सी ए की माँ है बी, राइट है। तो यहाँ पे क्या बताया हमें, ये किसकी माँ है, सी की भी माँ है, सॉरी बी की भी माँ है। आगे बताया है डी की पोती है, इसके बाद हमें बताया कि ये डी की पोती है तथा एफ ए का बेटा है। जो लाइन समझ में नहीं आती उसको उस वक्त के लिए स्किप कर दो, उसके आगे का सेंटेंस देखो, ए का बेटा है तो एफ का बी से क्या संबंध हुआ, राइट। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, ए का बेटा है तो एफ का बी से क्या संबंध हुआ। एफ यहाँ पे हमें क्या बताया था वो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हमें बताया था डी की पोती है, राइट। तो डी किसके ऊपर आएगा, यहाँ पे आ सकता है, राइट, डी की पोती है, ठीक है। एफ ए का बेटा है, तो ये जो एफ है ये किसका बेटा है, तो ए का बेटा है, तो ये नीचे आ जाएगा, एफ ए का बेटा है, राइट। तो बी से क्या संबंध है, एफ का बी से क्या संबंध है, तो ये हमें पूछा गया, तो इन दोनों में क्या संबंध है, आपको आंसर हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है, इन दोनों में क्या संबंध आया वो, ठीक है। जो भी संबंध होगा आपको बताना है, ए और बी कौन थे, भाई भाई थे, नीचे क्या बताया है, ये एफ आया है, और ये ए क्या क्या है, ये ए का जो है वो बेटा है, तो इसका और इसका संबंध क्या आया आंसर में, हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, लास्ट में एम एंड एफ कपल है, कपल के लिए आपको बताया है आपको एक नॉर्मल सा लाइन लाइन वाला एक स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्क्वायर निकाल दिया, एम एंड एफ कपल है, ए एंड बी बहने हैं, यहाँ पे क्या किया, उसी के आगे हमने क्या किया, ए और बी बहने हैं, एफ ए की बहन है, एफ किसकी बहन है, तो एफ ये ए की बहन है, राइट। तो आगे बताया है, तो बी एम से किस प्रकार से संबंधित है, बहुत सिंपल है, क्या संबंध रहेगा, ये एम है, मान लो ये एक मेल हो गया, ठीक है, ये उसकी पत्नी हो गई, तो यहाँ पे रेक्टेंगल आ जाएगा, और ये दोनों एफ की यानी कि जो लेडी है उसकी बहने है, तो ये बी में और ये एम में क्या संबंध आया, तो आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन सही जवाब है साली, यानी कि दो नंबर का, लेकिन आपको निकालना है और कमेंट करके बताना है कि यही संबंध है, और साथ में क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर आता है, ये आपको बताना है बच्चों। और इसी के साथ हमारा रिलेशनशिप का चैप्टर खत्म होता है। बहुत सिंपल है, जबलिंग जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है ट्री मेथड का क्या है और ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पे आते हैं। जब जब क्वेश्चन आपको जबलिंग टाइप लगे तो आपको क्या करना है,
वो जो नंबर रहेगा या फिर वो जो वहां पे आपको सेंटेंस दिया रहेगा उस छोटे से सेंटेंस के लिए उस वक्त के लिए स्किप कर दो, पहले आगे का ड्रॉ कर लो तो जल्द इसे समझ में आ सकता है। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।